अपना वारिस है। ज़्यादातर यहाँ की इन्वायरमेंट, यहाँ के पीछे जितनी बागात हैं वो हब रिवर की वजह से है। यहाँ पे जिस साइड पे हम बैठे हैं यहाँ पे बोर है, पानी उसका चकने हल्का सा कड़वा नहीं कह सकते, खारा कह सकते, मगर ये जितने भी गंदा जीप का तरफ वो अंडरग्राउंड लेवल जो है पानी की वो है हब रिवर की वजह से। हब डैम के बनने के बाद काफ़ी मसाइल है लोगों के, बागात पूरे के पूरे सूख गए, बड़ी बड़ी खजूरें 50 साल की उम्र में जो उनके ख़त्म हो गए राइट लेफ्ट दोनों तरफ। जो भी कम्युनिटी है जो हब डैम की वजह से अफेक्ट हुई है तो वो तो ऑब्वियसली अगेंस्ट होंगे डैम्स वगैरह के, बट ओवरऑल अगर तो क्या डैम्स सिंध वगैरह में बनने चाहिए अभी भी, या फिर लाइक आप लोगों का पॉइंट? दो चीज़ें हैं, एक तो बड़े डैम नहीं बनाते, पूरी दुनिया नहीं बना रही और वो तोड़ रही है। हमारे जो बड़े डैम हैं उसमें कैपेसिटी आधी से भी कम रह गई, सिल्ट आ गई है, ठीक है। अब दुनिया जब नहीं बड़े डैम बना रही उसको तोड़ रही है तो हम क्यों बनाएं? छोटे डैम जैसे आपने देखा है ये सामने नज़र आया है, अब इस एरिया में 3 डैम है नागपुर, अब रास्ते में कम आए लिफ्ट, उसके अलावा एक डैम इससे बिल्कुल कैनप के सामने, कैनप के साथ भी एक डैम, 2 डैम इस तरफ और बैन है, ये मिनी डैम है, छोटे छोटे डैम है। जब बारिश जब यहाँ पर होती है तो अलहमदिल्ला उस पानी को हम स्टोर करते हैं, उसके बराबर में जो है ना एक कुआं है, उस कुएँ के जरिए नेचुरल फिल्टर किया हुआ पानी, बल्कि आगे जो पानी हम पी रहे हैं इससे भी बेहतर इस डैम इस डैम। जैसे पानी का मसला कराची में तो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, मतलब यहाँ फेस करते हैं हम भी हैं, मतलब कि आप उसका जैसे टेप वाटर नहीं है, पास लाइन नहीं है, आप 1000 रुपये में मतलब वो पूरा का पूरा टैंकर पाउडर जिसको कहते हैं कुछ ज़्यादा है, मेरे ख्याल में 3000 से लेकर 7000 वही रेट है जो हम सारी बात है, वो भी पानी हब से आएगा ना, हब से वो जो वहाँ से जो कम है सिंगल कम है, सिंगल की बात ही करो मैं, कराची में 2500 से 3000 है और वो खारा है। ट्रांसपोर्टेशन का ये है कि उसका फ्यूल कितना जल रहा होता है ना, कितनी किलोमीटर के हिसाब से वो लगा देते हैं। पानी का डैम कफरी है, इसकी यहाँ से ये जो है 500 रुपये चार्ज करते हैं,